हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय ट्रैवल डायरी बाय डॉक्टर राकेश जोशी। आज का हमारा ट्रिप है चौखी हवेली नोएडा में, और ये एक स्पेशल ओकेजन के लिए है। ये है मेरे बर्थडे की सेलिब्रेशन हमारे सूर्य आई केयर सेंटर के स्टाफ के द्वारा, और इसमें हम सबसे पहले पहुँचे हैं नोएडा सेक्टर 34 मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, हम लोग वहाँ पहुँचे हैं मेट्रो से, क्योंकि यही इजीएस्ट वे है चौखी हवेली पहुँचने का। और चौखी हवेली है सेक्टर 33A में, और ये है हमारी सूर्य आई केयर सेंटर की छोटी सी फैमिली, जिसके साथ हम अपना एनुअल पिकनिक और डे स्पेंड कर रहे हैं, और साथ में मेरे 60th बर्थडे की सेलिब्रेशन भी होगी 8 दिसंबर। और मेट्रो स्टेशन 34 से हम लोग ऑटो लेके पहुँचे हैं चौखी हवेली सेक्टर 33A नोएडा में, और ये है चौखी हवेली यूपी की रसोई। और यहाँ पहुँचते ही हमारा स्वागत किया ढोल ने। ढोल और नगाड़ों के बीच में ये दिन शुरू हुआ हमारे स्टाफ के द्वारा किए गए डांस से। आज के दिन की शुरुआत बहुत ही एनर्जेटिक वे में हुई है, और सभी बहुत अपबीट मूड में हैं। पीछे खड़ी है एक बग्घी। जी, ये हम सब लोग एक खड़ी हुई बग्घी में ही सवार हो गए हैं फोटो सेशन के लिए। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं मेन गेट से चौखी हवेली में। यहाँ सबसे पहले ट्रेडिशनल वे में तिलक करके हम सबका स्वागत किया गया। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है कि कहीं आप मेहमान या टूरिस्ट बन के जाएं और वहाँ आपका ट्रेडिशनल वे में सत्कार किया जाए। और फिर अंदर जाके हमने यहाँ के लिए टिकट्स ली। एक एडल्ट के लिए यहाँ जो टिकट है वो 500 रुपीज़ पर पर्सन है, जिसमें लंच के साथ साथ जो बुफे लंच होता है, जिसे ये आपको सर्व करते हैं, के साथ साथ अंदर की कई फैसिलिटीज़ भी इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें नाचना गाना, मैजिक शो, हेड मसाज, ये सब चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। और अंदर पहुंचते ही फिर से ढोल नगाड़े बजने शुरू हुए। फिर हमें वेलकम ड्रिंक ऑफर किया गया, जो कि था बहुत ही स्वादिष्ट जलजीरा। जलजीरा यहाँ ऑन द हाउस रहता है, आप बीच बीच में भी इसे पी सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले पहुँचे मैजिक शो देखने के लिए। हम लोग सभी अपने ग्रुप के सामने पड़ी हुई चारपाई पे बैठ गए, और हमने बहुत क्लोज व्यू से मैजिक शो देखा। फिर भी हम जादूगर की चलाकियां पकड़ नहीं सके, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक शो रहा। मैजिक शो एंजॉय करने के बाद दूसरा स्टॉल जो था वो था कठपुतली डांस का। और बचपन में तो हमने कई बार कठपुतली का डांस देखा है मेलों में, पर इस स्टेज पे लाइव की ये देखना भी बहुत रोमांचक रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये सिंपल सा कठपुतली का डांस देखना। हम सब ने इसे बहुत ही एंजॉय किया। नेक्स्ट काउंटर था कुम्हार। जी हाँ, कुम्हार की कला में
कुम्हार खुद तो मिट्टी के बर्तन बना के दिखाते ही हैं, साथ ही साथ आपको भी प्रैक्टिस करवाते हैं कि किस तरह से आप एक छोटा सा मिट्टी का दिया या बर्तन खुद भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा और बाद में फिर हम इसे अपने साथ लेके भी आए और घर आके मैंने इसे पका के और कलर करके अपनी याददाश्त के लिए रख भी लिया है। चौकी हवेली में इन्होंने जगह जगह पे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ कैमल है जहाँ आप इन आर्टिफैक्ट्स के साथ अपनी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। यहाँ देखिए अमर ऊंट पे बैठे हैं और साथ ही में ये पंजाबी डांस के मैनिक्विन भी रखे गए हैं जिन्हें देखते ही आपका भी मन करता है कि डांस किया जाए। और ये बीचों बीच इन्होंने पेड़ के नीचे हुक्का रखा हुआ है, हालांकि इसमें आग और तंबाकू नहीं है लेकिन फोटो अपॉर्चुनिटी तो बनती ही है। और वहीं पे रखा है चरखा। ये सब चीज़ें हमने बचपन में देखी हैं कि गांव की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती थी, लेकिन इन्हें अब यहाँ देखकर भी बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। और फिर शुरू हुआ राजस्थान का लोक नृत्य। ये नृत्यकी अपने सिर पे कई घड़े इकट्ठे रख के डांस कर रही हैं धुन पे, और उसके बाद इसे और मुश्किल बनाने के लिए वो यहाँ रखे हुए गिलास के ऊपर भी खड़ी हो जाएंगी और बहुत ही अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रही हैं। तो ये देख के काफ़ी रोमांच हुआ कि उनके सिर पे भी इतने सारे घड़े रखे हैं और उसके बावजूद वो दो ग्लासेस पे खड़ी हैं। फिर जैसे यही काफ़ी नहीं था तो उन्होंने अपने पैरों के नीचे कील वाला बोर्ड भी रखा और इन कीलों के ऊपर खड़े होके भी डांस किया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सामने स्टेज पे ये डांस परफॉर्मेंस देख के। और अब बारी थी हम सबकी म्यूजिक की धुनों पे इसी स्टेज पे डांस करने की। डांस करने के बाद अब हमें थोड़ी भूख लग गई थी तो अब बारी थी हमारे बुफे लंच करने की। यहाँ ये ट्रेडिशनल वे में आपके सामने चौकी रख के ज़मीन पे चौकड़ी मार के आपको लंच करवाते हैं। वैसे जो लोग अगर ज़मीन पे ना बैठ पाएँ तो उनके लिए सामने ही दूसरा डाइनिंग रूम है जहाँ आप टेबल चेयर पे बैठ के भी लंच कर सकते हो। ये टिपिकल राजस्थानी खाना था और बहुत ही टेस्टी था। और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ सर्व करने वाले जो सेवक थे वो बहुत ही प्यार से आपको खाना खिला रहे थे। लंच करने के बाद अब बारी थी मेहंदी वाले की। जी हाँ, यहाँ आपकी एंट्री फीस में इंक्लूडेड होता है हर फीमेल के लिए एक हाथ में मेहंदी लगवाना, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और फिर हम पहुँचे, जी हाँ, बचपन की याद ताज़ा करने के लिए बाइस्कोप। ये बाइस्कोप हम सब ने बचपन में ज़रूर देखा होगा जब गली में बाइस्कोप वाला आता था, पर लाइफ की स्टेज में इसे देखना बहुत ही रोमांचक था। एक और यूनिक चीज़ जो चौकी हवेली में हुई वो थी फिश स्पा। जी हाँ, यहाँ इन्होंने एक छोटे से स्विमिंग पूल में फिशेस, बहुत छोटी छोटी फिशेस रखी हुई हैं जो आपके पैर का स्पा करती हैं। इसमें आप 100 रुपीज़ दे के 10 मिनट के लिए अपने पैर अगर इस पूल में डालेंगे तो सारी मछलियाँ आके आपके पैरों और सोल के नीचे की साइड पे जो एक्स्ट्रा मास लगा होता है उसे हटाएंगी और आपको काफ़ी गुदगुदाने वाली फीलिंग महसूस होगी। ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा यहाँ। फिर यहाँ एक पेड काउंटर भी है जो जैन कुल्फी है। यहाँ पे आप कुल्फी, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स पेमेंट बेसिस पे यहाँ से लेके खा सकते हैं। और यहाँ की कुल्लड़ चाय तो बहुत ही स्पेशल थी। और फिर लेडीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जंक्शन हवा महल शॉप। यहाँ पे राजस्थान की ट्रेडिशनल क्लोथ्स, पोट्री और इसके अलावा छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स, बैग्स और टिपिकल राजस्थान जूती,
ये सब यहाँ सेल के लिए अवेलेबल हैं, तो आपको चौकी हवेली के अंदर ही शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। हालांकि चौकी हवेली के बिल्कुल साथ में ही नोएडा हाट भी है, जिसमें हम अपने नेक्स्ट विजिट में जाएंगे, और वहाँ शॉपिंग का काफ़ी बड़ा एरिया है। और फिर हम पहुँचे ज्योतिष काउंटर पे। जी हाँ, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, श्री हनुमान ज्योतिष, जहाँ पंडित शक्ति जोशी जी, जी हाँ पंडित जी भी हमारे जोशी भाई हैं, और यहाँ पे वो लेंस द्वारा आगे एनलार्ज करके आपकी रेखाओं को देख के आपका भविष्य बताते हैं। और फिर शुरू हुआ मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन। ये मेरे स्टाफ की बहुत ही थॉटफुल प्लानिंग थी कि उन्होंने यहाँ केक अरेंज किया, और पीछे से ढोल वाले अपना म्यूज़िक दे रहे थे, तो ये एक यादगार केक कटिंग सेरेमनी है मेरे लिए। और फिर ये ग्रुप फोटो सेशन, ये पूरा दिन ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने स्पेंड किया, और बहुत ही अच्छा फील हुआ पूरे दिन, क्योंकि हम लोग सर्दी के मौसम में ओपन एयर में थे, और कोई ना कोई एक्टिविटी दिन भर होती ही रही। और चौकी हवेली के आउटर कॉरिडोर में कैमल राइड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप 100 रुपीज़ पे करके 10 मिनट्स के लिए कैमल राइड कर सकते हैं। हालांकि आपको पहले ही बता दिया जाता है कि यदि कैमल राइड के वक्त आपको कोई चोट लगती है तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी। और इसके अलावा आउटर सर्कल में ही चौकी हवेली के बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, ट्रैम्पोलिन और छोटी छोटी गाड़ियाँ जिनमें बच्चे घूम सकते हैं, तो बच्चों के लिए भी यहाँ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा रहता है। दिन कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। और फिर यहाँ से हम वापस अपने घर के लिए मेट्रो से निकल पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल एपिसोड। वी विल बी कमिंग अप विद मोर सच एपिसोड्स इन फ्यूचर।